हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद जीके। ओके, आज हम जीके से स्टार्ट कर रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी डन दिस जीके इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टेक दैट इज अबाउट रिलेटिव्स। आपके घर में अभी कितने जने, आपके मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी देन चाचा चाची, अभी उन सबको हम क्या बोलेंगे? दे आर हमारे रिलेटिव्स है। But what we call them, हम उन्हें क्या बुलाएंगे in English? What we will call them? So that we are going to see. Okay? So I am first placing the exercise. It means that जब exercise आएगा उसके साथ ही मैं आपको explain कर दूंगी. So you will not have any kind of doubt. तो इसी exercise में आपको पूरा explain कर दूंगी. So the first one is my father and my mother are my parents. आपके मम्मी पापा आपके क्या है? दे आर योर पेरेंट्स। तो हम अगर इफ एनीवन सेज वेयर इज योर पेरेंट, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट योर फादर एंड मदर। ओके, माय फादर इज माय ग्रैंडफादर। जो आपके पापा के पापा है वो आपके कौन है? ग्रैंडफादर। थर्ड वन इज माय मदर्स फादर। जो मम्मी के पापा है दैट इज दे आर योर्स, वो आपके कौन है? दे आर योर्स ग्रैंडफादर। फोर्थ वन इज माई फादर मदर। जो पापा के मम्मी है दैट इज दादी, जो आपकी दादी है वो आपके कौन है? दैट इज माई ग्रैंड मदर। माई मदर्स मदर, अभी आपकी मम्मी की मम्मी है दैट इज योर दादी, तो वो कौन है आपके? दैट इज ग्रैंड मदर। वॉट यू विल कॉल? ग्रैंड मदर। माई फादर ब्रदर, जो आपके पापा है उनके भाई, सो ही इज योर अंकल, आप उन्हें अंकल बुलाएंगे। माई मदर्स ब्रदर, जो आपके मम्मी के भाई है आप उन्हें क्या बुलाएंगे? वॉट यू विल कॉल? यू विल कॉल अंकल। माई फादर सिस्टर, जो आपके पापा की बहन है आप उन्हें क्या बुलाएंगे? आंट। माई मदर सिस्टर, जो आपकी मम्मी की बहन है उन्हें आप क्या बुलाएंगे? यू विल से आंट। माई अंकल सन, जो आपके अंकल मीन्स पापा के भाई के बच्चे लोग, दैट योर चाचा के बच्चे लोग, वॉट यू विल से? वॉट यू विल कॉल? मीन्स वॉट दे आर, आपके कौन लगते हैं? दे आर योर कजन्स। माई अंकल डॉटर, अभी जो चाचा है उनकी लड़की है, सो शी इज ऑल्सो योर कजन। ओके, इफ योर अंकल हैविंग अ बॉय देन इट इज ऑल्सो योर कजन। इफ अंकल हैज हैविंग डॉटर देन ऑल्सो ही इज योर शी इज योर कजन। ठीक है, अगर अंकल को लड़का है या लड़की है तो भी वो कजन ही है आपके। यू विल कॉल देम एज अ कजन्स, दैट यू आर कजन्स। क्वेश्चन नंबर टू, कंप्लीट द फॉलोइंग। अभी हम और डिटेल में जाएंगे, वी विल लर्न इन डिटेल। माई ब्रदर और सिस्टर सन इज माई नेफ्यू। माई ब्रदर्स और सिस्टर, जो आपके भाई बहन है जिनकी शादी हो चुकी है, यू ऑल्सो हैव योर ब्रदर एंड सिस्टर, मीन्स दे आर मैरिड एंड दे आर हैविंग चिल्ड्रेंस। यस, अगर आपके भाई या बहन को लड़का है, सन मीन्स लड़का, दे आर हैविंग सन, सो ही इज योर, ये आपके क्या हो जाएंगे? नेफ्यू, यू विल कॉल एज नेफ्यू। माई ब्रदर्स और सिस्टर डॉटर, ब्रदर और सिस्टर मीन्स वही, अगर उनको लड़की है सो यू विल कॉल एज नीस, वो आपके लिए नीस है। आई एम ब्रिटा, दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई एम देयर ग्रैंड डॉटर। दैट मीन्स द सेंटेंस इज सेइंग दैट देयर इज अ गर्ल हुज नेम इज रीटा एंड उसके ग्रैंड पेरेंट्स है मीन्स दादा दादी, तो वो दादा दादी के लिए जो उनके ग्रैंड पेरेंट है, व्हाट विल बी द रीटा? रीटा उनके लिए क्या हो जाएगी? दैट इज ग्रैंड डॉटर। आई एम सुनील, दे आर माय ग्रैंड पेरेंट्स, आई एम देयर ग्रैंडसन। अभी वहां पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दैट आई एम अ सुनील मीन्स देयर इज अ बॉय हुज नेम इज सुनील। यस, एंड सुनील हैज ग्रैंड पेरेंट्स, सुनील के पास उनके दादा दादी है, सो उन दादा दादी को मीन्स देयर ग्रैंड पेरेंट, वॉट विल बी द सुनील? सुनील क्या होएगा दादा दादी के लिए? दैट इज ग्रैंडसन। क्वेश्चन नंबर थ्री, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही इज माय अंकल,
आई एम हिज नेफ्यू. अगर पापा के जो भाई है वो आपके लिए अंकल है, तो अंकल के लिए मैं कौन हो जाऊंगी? वट विल बी आई फॉर द अंकल? यस, सो आई विल बी द नेफ्यू. हिज, यू कैन सी दिस, हिज मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट अ बॉय. यहाँ पे अंकल है और वो बॉय है. यस, तो उन दोनों का रिलेशन कैसा हो जाएगा? बॉय के लिए अंकल, अंकल के लिए वो कौन हो जाएगा? नेफ्यू. फॉर द अंकल द बॉय विल बी नेफ्यू, एंड फॉर द बॉय बॉय बी फॉर द बॉय दे विल बी द अंकल, ही विल बी द अंकल. ओके, नेक्स्ट वन इज शी इज माय आंट, आई एम हर नीस. हर इज इंडिकेटिंग अ गर्ल, मीन्स एक गर्ल है और एक आंट है, तो आंट के लिए वो गर्ल कौन हो गई? दैट इज नीस. और नीस जो गर्ल है वो गर्ल उनके लिए क्या हो जाएगी? फॉर हर दैट इज आंट. नेक्स्ट इज ही इज माई ग्रैंड फादर, आई एम हिज ग्रैंड सन. एज आई हैव एक्सप्लेन यू इन दिस सेंटेंस. देन ही इज माई कजन, आई एम हिज कजन. अगर आपके सामने आपके कजन से तो उनके लिए भी आप कजन हो, आपके लिए भी वो कजन सी है. सो यू आर द कजन. सो योर होमवर्क इज दैट यू विल राइट द एक्सरसाइज इन जी के वर्क बुक. ओके, एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग द होमवर्क यू विल क्लिक द फोटो एंड यू विल सेंड यू इन द व्हाट्सएप. ओके, थैंक यू.